कहते हैं भगवान किसी को गरीबी ना दे, क्योंकि गरीबी जीने का तसव्वुर छीन लेती है। गरीबी पेट पर भूख का पहाड़ फेंक देती है। और बांसवाड़ा से निकली मुफलिसी की ये कहानी सुनकर शायद आप भी रो पड़ेंगे। देखिए इस रिपोर्ट को। सुना है गरीबी इंसान को खा जाती है, मुफलिसी जिंदगी को दुश्वारियों के ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहां से जिंदगी अंधकार के ऐसे जहां में डूब जाती है, जहां से फिर उजाले के इंतजार में सांसें उखड़ने लगती हैं। टूटा हुआ मकान हो चुके इस मकान में जलता चराग जिंदगी को उम्मीद बंधाता है, लेकिन शाम से सहर होते होते ये चराग खुद दम तोड़ देता है। चार ईंटों पर यहाँ भूख पकती है। दादी की उखड़ती सांसों को पोते पोती अपनी धड़कनों से बांधे हैं, क्योंकि दादी है इनकी दुनिया है। दादी के दम से इन्हें दिन में एक वक्त का खाना मिल पाता है। दाढ़ी मंजूरी कर रही, क्या खाए लावी नहीं पैसा कौन लावी ना ले के काम में जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि इस कच्चे घरौंदे में कभी खुशी नहीं रहती थी। यहाँ एक भरा पूरा परिवार रहता था। बाप का साया रहता था, माँ का दुलार रहता था। इस आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजा करती थी, लेकिन वक्त ने इस परिवार के माथे पर दुखों की ऐसी मुहर लगाई जिससे परिवार मुफलिसी के चौराहे पर खड़ा हो गया। पहले खेत में काम करते वक्त माँ की सांप के काटने से मौत हो गई। उसके बाद लंबी बीमारी के बाद पिता का भी साया सिर से उठ गया और मासूमों पर गमों का हिमालय गिर गया। दर्द की कतरनों में फटी इस जिंदगी की दास्तां सुनकर तकलीफ भी रोने लगती है। पोता पढ़ लिख कर परिवार की दुश्वारियां दूर करना चाहता था, लेकिन पढ़ाई के लिए फीस जरूरी होती है। फीस नहीं थी, पढ़ाई बंद हो गई। हमारे माँ बाप मर गए हैं, हम बहुत मुश्किल से घर चला रहे हैं। हम भी कहीं मांग कर खाते हैं, हमारा बहुत दुख है। और स्कूल जाते हो बेटा? स्कूल छूट के पैसे के बिना। हमारे माता पिता मर गए 2 साल हो गए और हम बड़ी मुश्किल से हमारा घर चला रहे हैं, कहीं काम पर जाकर। स्कूल क्यों छोड़ी? स्कूल भी पैसे की वजह से स्कूल छूट गई। दादी को सरकार की तरफ से 500 रुपए की पेंशन और 10 किलो गेहूं मिलता है, जिसके सहारे दिल की धड़कनें चल रही हैं। शहर से 17 किलोमीटर दूर नागदला गांव में जब जी मीडिया पहुंचा तो खबर गांव के उप प्रधान के पास पहुंची और ऋषभ शाह के इस परिवार की मदद का भरोसा दिया गया। ग्राम पंचायत चंदूजीगढ़ के नागदला का मामला है, अभी जानकारी में आया है और वास्तव में अभाव में जी रहे बालक, माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और राजकीय सहायता भी इनको दिलाई जाएगी और शिक्षा के लिए अभी इनका एडमिशन कराने की भी हम कोशिश कर रहे हैं ताकि ये बच्चे पढ़ सके और इनके परिवार को पूरी मदद मिल सके। मदद के नाम की तमाम दुनियादारियों के बाद भी इस अधूरे परिवार के हाथ आज भी खाली है। मदद करने वालों की नजर इस परिवार पर नहीं पड़ती। ऐसे में ये परिवार अब सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठा है। आज देश को आजाद हुए कई साल हो गए, देश बड़ी बड़ी बातें करता है कि इतना विकास हुआ, पर हम प्रदेश के इस आदिवासी अंचल कहे जाने वाले बांसवाड़ा जिले के नागदला गांव की बात करें, यहां पर एक बूढ़ी दादी है जो अपने 3 पोता पोतियों को पाल रही है। इनके पास पैसा नहीं है तो इन तीनों बच्चों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और मजदूरी करने को मजबूर हो गए। अब सरकार और प्रशासन को इस ओर ध्यान देना होगा जिससे इनका घर चल सके और तीनों बच्चों की पढ़ाई पूरी हो सके। अजय ओझा, जी मीडिया, बांसवाड़ा।